शुरुआत करते हैं। कल मैंने आप लोगों को रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज बताए थे, उसमें मैंने आपको तीन रूल बताए थे और मैंने बताया था तीन रूल में से कोई भी दो रूल सफिशियंट होते हैं इमेज बनाने के लिए। क्लियर करी को? ओके, ध्यान से देखिएगा सब लोग, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास से काफी सारे दुनिया भर के क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली निबट जाएंगे, समझ गए? तो इसलिए 100% अटेंशन देना बहुत जरूरी है, ठीक है? डिटेल में अभी दो मिनट बात कराऊंगा, सबसे पहले समरी करा रहा हूं, कौन से देखिएगा। उसको भी कराने से पहले एक बात और, ये दो लाइनें एक दूसरे के कैसी हैं? अब अगर कोई आपसे पूछे ये पैरेलल लाइन कहां जाके मिलेंगी तो आप क्या बोलेंगे? तो हमें मालूम है पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलती, फिर भी कोई पूछे कहां मिलेंगी कहां मिलेंगी तो हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट में मिलेंगी, क्योंकि ना इनफाइनाइट आएगा ना ये मिलेंगी। राइट एवरीवन? तो कभी भी अगर आपको कोई भी दो लाइन पैरेलल दिख जाए और कोई बोले कहां जाके मिलेंगी तो बोलना इनफाइनाइट में मिलेंगे। और अगर किसी जगह से दो पैरेलल लाइन आ रही है और कोई पूछे कहां से आ रही है तो इनफाइनाइट में जब मिल रही है तो फिर इनफाइनाइट से ही आ रही है। सीम क्लियर है? बात समझ पा रही है? मैं जब भी कभी दो पैरेलल लाइन दिखेंगी और मैं आपसे पूछूं कि भैया दो पैरेलल लाइन है कहां जाके मिलेंगी तो आपको बोलना होगा इनफाइनाइट पे मिलेंगे। मैं पूछूंगा कहां से आ रही है तो क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट से आ रही है। ऑलराइट एवरीवन? चलिए तो फिर ठीक है, कुछ एक बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात और बताओ जरा, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो कैन बी ओपन ऑन द स्क्रीन? यस और नो? चलिए ठीक है, गुड। तो गौर से देखिएगा सब लोग, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो? दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फाइनाइट का कोई और छोर होता नहीं है, क्लियर? तो हमने इसको मान लिया इन्फाइनाइट, अदरवाइज इन्फाइनाइट का कोई और छोर नहीं होता, क्लियर? अब आप बताओ अगर इन्फाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, वैसे तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि इन्फाइनाइट पर है, पर मैंने मान लिया अगर इन्फाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वहां से जो भी रे आएगी वो कैसी आएगी? पैरेलल। और जो भी रे पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी? फोकस से। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रखा होगा तो इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा? फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर, क्लियर? अब जो बता रहा हूं ध्यान से समझ लेना, सुन लेना, क्लियर? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर सरकाया जाता है इमेज इधर की तरफ सरकता जाता है, इमेज सरकता भी जाता है और धीरे धीरे बड़ा भी होता जाता है। अभी मैं डिटेल में दिखाऊंगा, पहले इन शॉर्ट समझ ले क्योंकि मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखने से इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, क्लियर? तो पहले समझ लो, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहां बना? अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दूं, अब आप बताओ इमेज को कहां ले आऊं? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया। इमेज ऑब्जेक्ट से कैसा है? छोटा। यहां पर भी इमेज ऑब्जेक्ट से कैसा था? इमेज कैसा बन रहा है? ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इमेज ऐसे बन रहा है तो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। इन्वर्टेड है तो रियल है तो कल का पढ़ के आए होंगे तो आगे की कथा समझ में आएगी, वरना बम्पर हिट जाएगा। सॉरी टू से क्लियर, रेगुलर कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट को सरकार के मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आया, बताओ इमेज कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। देखिए इमेज का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और बड़ा हो के अब ये इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर आ गया। सीन क्लियर है? ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले आया, बताओ इमेज कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। अब ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा भी हो गया। ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे ले आया तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। पानी समझ में आ रही है आपसे? टीम क्लियर है? किसी ने ये समरी है, मेन यही आपको समझना होता है, ये अगर याद है तो सारी कहानी आप लोग पढ़ देंगे। समझ गए मेरी बात को? तो जरा मुझे फिगर देख के बताओ, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बना? फोकस पे। क्लियर है? ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था तो इमेज कहां था? क्लियर है? ऑब्जेक्ट जब फोकस पे था तो इमेज कहां बना? इन्फिनिटी पे। आपने यहां पर एक बात नोटिस की, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मैं मिरर के सामने ले जाता जा रहा हूं इमेज मिरर से दूर भी होती जा रही है और बड़ी भी होती जा रही है। क्लियर? कितनी सिचुएशन हो गई? पांच सिचुएशन हो गई।
इन पांचों सिचुएशन में इमेज हमेशा कैसा बना? इन्वर्टेड इमेज बना, यानी सारी की सारी इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है, उल्टी है, इन्वर्टेड है, इसका मतलब रियल है, और रियल है तो कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, राइट। यानी ये सारी की सारी इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन है। इन सब इमेजेस को देख के मुझे ये बताओ, इनमें ऐसा कोई सिचुएशन है या ऐसी कोई सिचुएशंस है जिनमें इमेज छोटा बन रहा हो? इन दो सिचुएशन में छोटा बन रहा था। ऐसी कोई सिचुएशंस है जिनमें इमेज बड़ा बन रहा हो? ये दो सिचुएशंस में बड़ा बन रहा है। ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें बराबर इमेज बन रहा हो? क्लियर है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत? एक सिचुएशन और बनती है जिसमें ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, वहां क्या होगा ये मैं अभी डिटेल में बताऊंगा आपको। सीन क्लियर है? बाकी की पांच कथाएं क्लियर हो गई आपको? तो गौर से देखिएगा सब लोग वन बाय वन में, एक एक ये मेन चीज है, ये समझ में आ गई आपको? मैंने अगर आपसे पूछा कि भैया ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो इमेज कहां बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाता है तो कुछ लोग इसको अलग अंदाज में भी बोलते हैं। पहले आप बताओ मुझे, मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखना है और कहां रखना है? सुन लो, सुनने के बाद बताना कहां रखो। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड और दूर रखो। अब और दूर रखा तो इसका मतलब कौन सी वाली सिचुएशन की बात कर रहा है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखने की बात कर रहा है। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर। यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो इसको ऐसे भी बोला जाता है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? तो ये मैंने शॉर्टकट में आपको सारी कथा समझा दी, अब मैं लॉन्ग कट में वन टू वन एक एक केस लेता हूँ डिटेल में, ठीक है। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था बताओ? चलो, इन्फिनिटी में। कहाँ रखा था पहले केस में ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी में। तो गौर से देखिएगा सब लोग, ये मिरर है, कौन सा मिरर है? ये क्या है? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी। कायदे से तो इन्फिनिटी दिखाई नहीं देगा, पर इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा दिखना तो चाहिए नहीं, पर वहां से जो भी लाइट रे आएगी वो कैसी आएगी? पैरेलल। तो इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा भी है तो वहां से जो भी लाइट रे आएंगी वो हमेशा कैसी होंगी? पैरेलल। अच्छा, जो लाइट रे पैरेलल आती है वो कहां से जाती है? तो जो पैरेलल आ रही है वो यहाँ पे आके मिलेंगी फोकस पे, यहाँ पे आके मिलेंगी फोकस पे। बोलो भैया, तो इमेज कहां बन जाएगी? फोकस पे। यानी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बन रही है। सेम क्लियर है? इमेज का साइज पॉइंट साइज है। अच्छा, अभी तक मैंने जब भी पढ़ाया डॉटेड डॉटेड लाइन से जो इमेज बनती थी वो हमेशा कौन सी बनती थी? और रियल लाइन से जो इमेज बनती थी वो रियल है। यहां पर कहीं डॉटेड लाइन का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये कैसा इमेज है? रियल इमेज है। रियल है तो कैसा होगा? इन्वर्टेड है तो कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। क्लियर। ये पहला केस हो गया आपका, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज का बनता है, रियल है, इन्वर्टेड है और कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। सीन क्लियर है? चलो बताओ दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहां ले आऊं? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा सब लोग, है ना। हाँ हाँ, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूर कहीं इन्फिनिटी होगा। बोलो भैया, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, अब तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है। इमेज बनाने के लिए हमारे पास रूल है, कितने रूल है, कितने सफिशियंट होते हैं? चले लगाए रूल, कुछ मैं कहूंगा कुछ आप कह देना, सिलसिला बन जाएगा। पता भाई जो पैरेलल आ रही है कहां से जाएगी? वही फोकस से। दूसरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये जो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की तो वो वही रास्ता से लौट जाएगी, तो यहाँ पे काट रही है तो यहाँ इमेज बन रही है। बी से रे निकली, यहाँ पे काटी तो ये बी डैश और ये ए डैश।
इमेज छोटा है या बड़ा है, कहाँ बन रहा है? यही तो बताया था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है और इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आती है। बोलो भैया, साइज स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज ऐसे बन रहा है, इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? इन्वर्टेड है तो रियल है, और रियल है तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। करेक्ट एवरीवन, सीन क्लियर है? अगला केस क्या करूं बताओ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आऊं ऑब्जेक्ट को, कहां पे ले आऊं? ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाया, गौर से देखिएगा सब लोग, ये मिरर है। एक कहावत बोल रहा हूं, पूरी करना, दिया तले अंधेरा, जानते हो ना? ये ऑब्जेक्ट है भैया, बोलो भैया, लगाओ फिर से रूल, पहली रे कहां से जाएगी? ये भी फोकस है। दूसरी, मैं यहां पर खड़े होके, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मैं ये देखना चाहूं कि मेरे शूज के नीचे क्या है, मैं देख पाऊंगा? नहीं देख पाता ना। यहां पर ऑब्जेक्ट खुद ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ऑब्जेक्ट खुद ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो लाइट रे जाने से रही, तो एक और रूल है, फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है। तो भैया ये लाइट सोर्स है, यहां से ये कोई रे फोकस से, और फोकस से पास होगी तो कहां से कैसे हो जाएगी, हो गई पैरेलल, इमेज बन गई। बोलो भैया, बी से रे निकली, यहां काटी तो ये बी डैश, इमेज का साइज देखिए, सेम साइज, इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? इन्वर्टेड है तो रियल है तो सीन क्लियर है, और बन कहां रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। ये वाला केस हो गया, नहीं है बात समझ में क्लियर? चौथे केस में ऑब्जेक्ट को कहां ले आऊं भैया? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, गौर से देखिएगा सभी लोग, चौथा केस कि मिरर है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट आ गया भैया, किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? कहां आ गया ऑब्जेक्ट? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर वही रूल लगाएंगे, पहली रे कहां से जाएगी? ये पैरेलल लाइन फोकस से जाएगी, सीन क्लियर? दूसरी, अब दो ऑप्शन है हमारे पास, ये तो फोकस से निकाल दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दो, क्लियर है? सपोज करिए मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जा लगे, तो लाइट रे ऐसे जानी चाहिए, कायदा ये कहता है, पर हमने रूल पढ़ा था लाइट मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लाइट रे कभी इंसिडेंट ऐसे तो कर ही नहीं सकते, लाइट रे हमेशा हमें किधर की तरफ इंसिडेंट करनी पड़ेगी, ऐसे इंसिडेंट करनी पड़ेगी, यस और नो? अब हमने एक नोट पढ़ा था, याद करो, ये लाइट सोर्स है, ज्यामितिक कितनी रे निकल रही होंगी? इनफाइनाइट रे निकल रही होंगी, कोई ना कोई रे ऐसी जरूर होगी जो इस पे ऐसे पड़ रही होगी और वापस लौट कर आ रही होगी, वापस लौट के आ रही है इसका मतलब कहां से जाएगी? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास होती है वही मिरर से टकरा कर वापस लौट कर आती है, तो जो लाइट रे लौट कर आ रही है तो इसका मतलब वो कहां से पास होगी? और फाइनली ये यहां काट गई तो यार क्या बन गया? इमेज बन गया, डी से रे निकली, यहां काटी डी डैश ए डैश, इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? रियल वर्चुअल कैन बी कैन नॉट बी, बन कहां रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रहा है, ऐसे बोल सकता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, ये वाला केस हो गया आपका, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो इमेज। बोलो भैया, नहीं है मेरी बात समझ में? अब बताओ ऑब्जेक्ट को कहां ले आऊं? फोकस पे ले। अब मैं इसको मिटा दूं, ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाऊंगा तो इमेज कहां पहुंच जाएगी? इन्फिनिटी पे। गौर से देखिएगा तुम लोग, है ना? मिरर, पोल, फोकस, ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे ले आया, नाम दे दिया ए बी, पहली रे कहां से जाएगी?
ये भी फोकस है। दूसरी तो फिर भी यहां से इनफाइनाइट रे निकल रही है, कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी तो जाहिर सी बात है ऐसे तो इंसिडेंट करेंगे, कोई ना कोई रे लौट जरूर रही होगी। जब इनफाइनाइट रे निकल रही है तो जो लौट रही है वो कहां से पास होगी? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, आप बताओ ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के कैसी है? पैरेलल है तो कहां जाके मिलेंगी? अब जहां पर भी जाके मिलेंगी तो वहां इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड या इरेक्टेड? इन्वर्टेड है तो रियल है तो कहानी समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? पांच केस हो गए। छठवां केस, छठवें केस में ऑब्जेक्ट कहां ले आऊं? फूल और फोकस के बीच में। गौर से देखिएगा सब लोग इस केस को। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट रखा है भैया, ए बी सी क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? पहली रे पैरेलल, पैरेलल है तो कहां से जाएगी? फोकस से। तो ये पहली रे आई पैरेलल, ये फोकस से पास हुई। दूसरी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो उसी सीध में अगर मैं रे लूं तो ये ऐसे गई और यहां से ये लौट के आ गई तो कहां से जाएगी? सी क्लियर है? तो यहां से जो अब ये लाइट रे आपस में फैलती जा रही है, इनके बीच का मार्जिन बढ़ता चला जा रहा है, ये कभी नहीं मिलेगी। तो यहां से जो भी बंदा देखेगा उसको ये लाइट रे कहीं ना कहीं पीछे से आती है अपीयर होगी। इसी तरीके से ये वाली लाइट रे भी पीछे से आती है अपीयर होगी। यहां पर ये मिल रही है तो यहां क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। बी से रे निकली यहां पे काटी तो ये हो गया बी डैश, ये हो गया ए डैश। रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज? क्यों? डॉटेड लाइन से बन रही है और इरेक्टेड है इसलिए, राइट? तो वर्चुअल इमेज है, इरेक्टेड इमेज है, कैन बी कैन नॉट बी? अच्छा, बन कहां रही है? मिरर के पीछे बन रही है, यानी बिहाइंड द मिरर। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं? तो यहां पर एक बात बताओ, आपने छह केस देखे, इन छहों केसों में कभी बड़ा इमेज बना क्या? बड़ा इमेज बना है? कितनी सिचुएशन में? ध्यान से देखो, तीन में बना है, एक दो, ये इंफाइनाइट में ये भी बड़ा है। छोटा इमेज बना है कभी? कितनी सिचुएशन? बराबर बना है? रियल बना है? वर्चुअल बना है? इन्वर्टेड बना है? इरेक्टेड बना है? मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज है, हर प्रकार का इमेज बनना है। बड़ा इमेज तो बनना है, छोटा इमेज तो बनना है, बराबर तो बनना है, उल्टा तो बनना है, सीधा तो बनना है, रियल तो बनना है, वर्चुअल तो बनना है। बोलो क्लियर? चाहे जैसा इमेज बना लो, तो कौन से इमेज, कौन से मिरर से चाहे जैसा इमेज बना लो? कॉनकेव मिरर से। सी क्लियर है? तो ये छह कंडीशन हुई हमारी कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में आपने देखा कि यहां पर हमें हर प्रकार का इमेज मिल रहा है, बड़ा, छोटा, बराबर, उल्टा, सीधा, रियल, वर्चुअल, है ना? बढ़ू आगे? ओके, ये तो कॉनकेव मिरर की कंडीशन हो गई। अब दो कंडीशन और आती हैं, जो अगला क्वेश्चन है हमारा कॉन्वेक्स मिरर की। सारा एक साथ करा रहा हूं इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है ना? तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, गौर से देखिएगा ऑन द बोर्ड। कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही केस होते हैं, दो सिचुएशन, तो ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ये कॉनकेव मिरर की कथा हो गई, अब मैं यहां कॉन्वेक्स मिरर की कथा करने जा रहा हूं। कौन सा मिरर है भैया? ये क्या है? कर्कटील है, राजागी जहां में फोकस जालंग ना हो, जालंग होते हैं फोकस। यहां पर दो ही केस होते हैं। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, तो आप बताओ कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनता है? सेम टू यू, यहां पर भी वही होता है। पहला केस, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो भैया इंफिनिटी पे तो कोई और छोर तो होता नहीं है, तो वहां से जो भी लाइट रे आएंगी कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। अब आप बताओ जो पैरेलल आती है वो या तो फोकस से होकर जाती है या जाती हुई दिखाई देती है। अब जब ये ऐसे आएगा तो कॉन्वेक्स मिरर इसे कैसे रिफ्लेक्ट कर देगा? ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा? बोलो भैया, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा? तो यहां से जो भी बंदा देख रहा है वहां से ये फोकस से आती है अपीयर होगी,
यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसे ये फोकस से आती अपीयर होगी। तो इमेज कहां बनी? फोकस पे। इमेज कहां बनी? फोकस पे। कैसे साइज की बनी है? पॉइंट साइज की बनी है। कैसे साइज की बनी है? रियल है, वर्चुअल है? और वर्चुअल है तो कैसी होगी? रिलेटेड साइज कैसा है? पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? दूसरा केस, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी रखा हो, एक इनफाइनाइट में और दूसरा कहीं भी रखा हो। गौर से देखिएगा इधर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है बॉस, बनाए इमेज पहली रे। अभी बताओ सबने एक ही काम कर रहे हैं, पैरेलल, पीआई पैरेलल। अब मिरर तो इसे ऐसे भगा देगा, यस सर नो? तो यहां से जो भी बंदा देख रहा है उसे ये कहां से आती है क्लियर होगी? फोकस, क्लियर है? दूसरी कहां से पास करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब आप बताओ यहां से इनफाइनाइट रे निकल रही है, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो भी लाइट जा रही होगी तो क्लियर है कि उसका परपेंडिकुलर गिर रही होगी। परपेंडिकुलर गिर रही होगी तो जो मिरर क्या करेगा, इसे यहीं से लौटा देगा। बोलो भैया अगर परपेंडिकुलर गिर रही है तो जब ये लौट के आ रही है तो यहां से जो भी बंदा देखेगा उसको ये रे कहीं ना कहीं पीछे से आती है होगी। तो फाइनली इमेज कहां बना? यहां बन गया। बी से रे निकली यहां पार्टी, तो ये हो गया बी डैश ए डैश। रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? इन्वर्टेड, इरेक्टेड? इरेक्टेड। कैन बी, कैन नॉट बी? बन कहां रहा है? ध्यान रखना, कईयों बार लोग बीच का मतलब मिड समझने लगते हैं। पोल और फोकस के बीच में यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन, कहीं भी बन सकता है। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं कि मिड में ही बने। क्लियर है? छोटा है, बड़ा है? सी क्लियर है? कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं, एक ये और एक ये। देख के मुझे ये बताओ इसमें कभी बड़ा इमेज बना? नहीं। छोटा बना? बराबर बना? यानी कहने का तात्पर्य यह कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा केवल और केवल छोटे इमेज बनाता है। रियल इमेज बना? वर्चुअल बना? हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटे इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, और वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्टेड होंगे। साइज छोटा, साइज कभी बड़ा साइज बनाया इसने? नहीं बनाया। मैंने आपको 5 से 7 मिनट का समय दिया, 7 मिनट, 6 कंडीशन कॉन्केव की और 2 कॉन्वेक्स की, पढ़ने पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहां तक सबको क्लियर है। कॉन्वेक्स मिरर में हर प्रकार का इमेज बना क्या? एक स्पेसिफिक टाइप का इमेज बना? हमेशा छोटा इमेज बना? हमेशा वर्चुअल इरेक्टेड बना? कैन नॉट बी ओपन ऑन द स्क्रीन। कॉन्केव मिरर में हर प्रकार का इमेज होता है, उल्टा, सीधा, बड़ा, छोटा, है ना? ये सब लोग तो हमें भी आप देख के आते हो, अपना मुंह देख के आते हो प्लेन मिरर में, इमेज उल्टा दिखाई देता है सीधा? सीधा इमेज दिखाई देता है तो कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज है, इरेक्टेड इमेज है। साइज कैसा दिखाई देता है? बड़ा, छोटा या बराबर? बराबर, इक्वल साइज का दिखाई देता है। तो इसका मतलब कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो फिर मेरी ये बात का जवाब दो। मैंने आप लोगों के लिए 3 मिरर मंगाए मॉरिशस से। 3 मिरर मंगाए मैंने, इस टाइप के 3 मिरर हैं, दिख रहे हैं आपको? तो सबसे पहला मिरर मैंने आपको दिखाया, आपको इस मिरर को छूना नहीं है, बगैर छुए आपको ये जज करना है कि ये कौन सा मिरर है, राइट? सिचुएशन दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा। ये मिरर मैंने यहां रख दिया, आप इस मिरर के आगे आए, कभी पीछे गए, लगातार आप पोजीशन चेंज करते, या इसके आधार पर ही समझो, ये मिरर रखा है, ये आप हो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना? ये फिल्म बनी हुई है आपके दिमाग से। आप ऐसे आए, आगे पीछे हुए, आपको इमेज हमेशा इक्वल साइज का नजर आया और सीधा नजर आया, कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। दूसरा मिरर मैंने रखा, आप इसके कभी आगे आए, कभी पीछे आए, आपने देखा इमेज हमेशा छोटा मिला, हमेशा सीधा इमेज मिला,
वो मालूम है तुम कहां आंसर दोगे। ये मिरर है, जाके सामने मैंने ऑब्जेक्ट धर दो, तो मैंने देखा इमेज वर्चुअल बना और बड़ा बना। वर्चुअल है कभी कहेंगे, क्योंकि समझ गए ना, वर्चुअल में अगर छोटा बोल दे दो तई आगे पीछे हो रहा हूं, कभी बड़ा कभी छोटा कभी बराबर कभी उल्टा कभी सीधा, समझ गए। पेज नंबर 9, हाउ विल यू मेक डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। तो हाउ विल यू मेक डिफरेंस, समझ में आ गया आपको कि आप इमेज देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कौन सा मिरर कौन सा है। किसी ने पूछ लिया एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ मिरर, मिरर के यूज बताइए। तो यूज तो गए तेल लेने, पहले आप मुझे एक बार बताओ घर में मौ देख के आ रहे हो कौन सा मिरर है। तो क्लीन मिरर का यूज हो गया टू सी अवर फेसेस। ओके, गाड़ियां चलाते रहते तो हैंडल पे एक मिरर लगा रहता है साइड में, जिसे आप रियर व्यू मिरर या साइड मिरर बोलते हो। एक ही बात है, क्लियर। रियर व्यू मतलब पीछे का व्यू देखने के लिए, रियर माने पिछला, राइट। तो ऐसे साइड में देख के गाड़ी चला रहे हो, साइड में देख के गाड़ी चला रहे हो, राइट। तो ये जो रियर व्यू मिरर है, इसमें पीछे के लोग जो आ रहे हैं उनका इमेज दिखाई देता है। कैसो, सीधो या उल्टो? उल्टो आ रहा कौन सा तात्पर्य है जाने वाले, हमेशा सीधा इमेज नजर आया, छोटा या बड़ा बताओ कौन सा मिरर, समझ गए। पूछ लेता है ओटी में, गाड़ियों में एज अ रियर व्यू मिरर या एज अ साइड मिरर कौन सा मिरर यूज किया जाता है। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और सुनिए, स्ट्रीट लाइट होती है, खंभों पे लाइट लगी रहती है, हेलोजन लगी रहती है, लगी रहती है। तो गौर से देखिएगा सब लोग, लुक, ये पोल है, ये लाइट लगी हुई है, देख पा रहे हैं आप लोग प्रॉपर, बोले भैया यस सर नो। हेडलाइट पे ऊपर की तरफ तो ये ग्लास लगा रहता है, अंदर ये मिरर लगा हुआ है, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और ये लगा है यहां पर लेट टू का जो फिलामेंट है वहां से लाइट निकलेगी, ये लाइट निकली और ये लाइट मिरर पे पड़ी, काय पे पड़ी, मिरर पे पड़ी, मिरर इसे रिफ्लेक्ट कर देगा। और ये रोड है, सड़क है, तो सड़क पे लाइट को ज्यादा एरिया में डाइवर्ज करने के लिए भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मेरी बात समझ, क्लियर। कोई पूछे एज अ रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर मतलब लाइट को ज्यादा एरिया में फैलाने के लिए, एज अ रिफ्लेक्टर हम लोग स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो बोलना के लाला कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्लियर। तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजर्स देखे एज अ रियर व्यू मिरर और दूसरा एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट, क्लियर है। बच्चे गुच्चे जितने भी यूजर्स हैं वो कॉनकेव मिरर के, उनको भी समझते हैं, ध्यान दें, कॉनकेव मिरर का यूज समझें। आपने कईयों बार देखा होगा शेविंग बनवाने जाते हो या घर में बनाते हो, है ना, शेविंग बनाते हो, शेविंग का पूरा सब कुछ, अब तो बेड आने लगी सभी के, है लेसन, आप जब शेविंग का प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं? ये ऐसे क्यों कर रहे हो आप, स्टाइल मार रहे हो, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जाते हैं ना पता बच जाता कौन ने ना पूरा बाल रहे तो ना, सही बोल रहा हूँ ना, यस और नो। और फिर जो आपको नैना पूरा बाल पता चलता है तो बहुत खच खच उड़ा देते हो, ऐसे होता है। आप जब शेविंग कराने मार्केट में जाते हैं वो 20 रुपए भी लेता है, 50 भी लेता है, 500 भी लेता है, फर्क क्या है, जब आप किसी अच्छे स्टैंडर्ड सैलून में जाते हैं तो वो आपका पूरा शेव बनाने के बाद आपको मिरर दिखाता है। आप मुझे बता सकते हैं वो कौन सा मिरर आपको दिखा रहा होगा, कौन सा, ना चुप, जो बाल
नॉर्मली हमें नहीं दिख पा रहा है, इतना छोटा बाल रह गया है कि नहीं रह गया, इस बात का पता लगाने के लिए आप यही तो यूज करते हो। अब मान चलो ऐसे भी जज नहीं हो रहा है, बाल जो रहेगा वो बड़ो सो रहेगा होगा या चुनचुनिया सो रहेगा, चुनचुनिया सो रहेगा वो, तो मैं सामने कैसा मेरा रखना चाहूंगा, जो कौन के भी क्यों रखू, क्योंकि कमबख्त कौन के भी वो मिरर है जो बड़ा इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स धरते हैं तो बाल वैसे ही चुनचुनिया सो है, बहुत ज्यादा चुनचुनिया है, यही बात समझ में। तो कॉन्केव मिरर रखने से क्या होता है, वो जो छोटा सा बाल रह गया उसका बड़ा इमेज बन जाता है, तो हमें पता चल जाता है फलानी जगह रहेगा नहीं, यही बात। किसी ने पूछा एज अ शेविंग मिरर कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉन्केव मिरर। डॉक्टर वगैरह आपकी नाक कान वगैरह में देखना चाहें, कॉन्केव मिरर। समझ में आ गई क्यों? टॉर्च सर्च लाइट जो होती है, भूतिया पिक्चर में देखी होगी, सब टॉर्च कर रहे हैं, बोलो भैया है, बोलो भैया। गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, गाड़ियों में हेडलाइट होती है, उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। गाड़ियों की हेडलाइट की बात कर रहा हूँ, रियर व्यू मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ। गाड़ियों की हेडलाइट में जो मिरर यूज किया जाता है वो कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। आइए बताता हूँ कैसे। एक बात बताओ, मान के चलो अमावस की अंधेरी रात है, और अमावस की अंधेरी रात में आप लोग बैरियल से ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं, क्लियर, या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, भैरंट अंधेरा है, ये तो अधिकार है, राइट टू अंडरस्टैंड, चलो चल चल तो कह रहा हूं। तो गाड़ियों की जो हेडलाइट है, तो ये होगा तुम क्या चाहोगे, तुम्हारा हेडलाइट का पर्पज क्या, हेडलाइट में जो प्रकाश निकले वो चारों रंग चकाचौंध करते, फिर रोड पे चकाचौंध करते, चारों रंग चकाचौंध चाहिएगा, कि भाई झमुझे आरो है जाए, भमुझे आरो है जाए, ऐसा चाहिएगा नहीं चाहिए ना। लिसन एवरीवन, ये हेडलाइट है, यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है, ये लट्टू, और ये ऊपर ग्लास लगा हुआ है, समझ ना, लट्टू से ये लाइट निकली, लट्टू कुछ इस प्रकार सेट किया जाता है कि लट्टू का जो फिलामेंट है वो फोकस पे आए, अब फोकस से लाइट रे निकलेगी ऐसे करके, वो फोकस से जो लाइट रे जाती है वो कैसी हो जाती है, पैरेलल, पैरेलल। तो मुरे में ते ग्वालियर में रोड पे भक्का टॉस हो जाए। तो गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, और रियर व्यू मिरर, डॉक्टर आंख नाक कान गल्ले, नंबर 11 यूजर्स ऑफ मिरर पढ़ लो। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, मैं दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फाइनाइट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज बात चली जाएगी काम से। पोल इन्फाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था, सेंट्रल कर्वेचर पे, ऐसे ही था, ठीक है, सबको क्लियर है ना। आ इधर आओ, फिर से आओ इधर, इधर इधर एक और बना रहा हूं, सेम यही चीज बना रहा हूं, कुछ अलग नहीं बना रहा हूं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी, ओए है ना। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में रखा था, इमेज कहां बना था, कंपेरिजन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, इमेज कहां बना, रियल है वर्चुअल है, छुट्टियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो और इधर फोकस करो, कैसा था, कैसे बता रही है। अब सुनना, ऑब्जेक्ट अगर फोकस में रखते हो तो इमेज कहां बनेगा, ऐसा ना लग रहा हूं, ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे धरता हूं तो इमेज दूसरे पॉइंट पे बनेगा, और दूसरे पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पे धरता हूं तो इमेज पहले पॉइंट पे बनेगा। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकी, क्या, कॉन्जुगेट फोकी, कॉन्जुगेट फोकी, कॉन्जुगेट फोकी। कोई पूछे क्या है, इट इज द टू पॉइंट्स, इट इज द पेयर ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन विच इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट पॉइंट देन द इमेज इज फॉर्मड एट द सेकंड पॉइंट,
पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेकंड पॉइंट देन द इमेज विल फॉर्म एट द क्लियर. कोई पूछे कॉन्जुगेट फोकी क्या होता है, तो इट इज द पेयर ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट पॉइंट देन द इमेज इज फॉर्म एट द सेकंड पॉइंट एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेकंड पॉइंट देन द इमेज इज फॉर्म एट द ध्यान दो ध्यान से. यहां पर एक खास बात थी, ये रियल इमेज थे क्या नहीं थे. कॉन्जुगेट फोकी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो केवल रियल इमेजेस के लिए एप्लीकेबल होता है, वर्चुअल इमेजेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता. थोड़ी देर देखेंगे, अभी रुको ध्यान से सुनना. अब दूसरा केस ले रहा हूं, समझना. ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता था तो इमेज क्या बनती थी, क्या बनती थी. और ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, ये भी रियल इमेज है. तो ये क्या है, कॉन्जुगेट फोकी नहीं, ये बात समझना. लेकिन ध्यान दो, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा रहता था तो वर्चुअल इमेज बनती थी. अब यहां ऑब्जेक्ट रख दिया तो यहां इमेज बन गई, पर यहां ऑब्जेक्ट कैसे रखोगे, नहीं यही बात समझ. यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि कॉन्जुगेट फोकी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो केवल रियल इमेजेस के लिए ही अप्लाई होता है, नहीं यही बात समझ. अब आप ही बता दो, कॉन्जुगेट फोकी का कॉन्सेप्ट अगर केवल रियल इमेजेस के लिए ही अप्लाई होता है तो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में. मैंने तो पढ़ा के छोड़ दिया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकी इज एप्लीकेबल फॉर ऑप्शन नंबर ए कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स मिरर, सी प्लेन मिरर, डी नन ऑफ दीज. कॉनकेव क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही रियल इमेज बनाता है, बाकी का कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाता है, प्लेन हमेशा वर्चुअल बनाता है, नहीं यही बात समझ में. पढ़ लो कॉन्जुगेट फोकी, वहीं कहीं मिलेगा आपको, पढ़ लो. ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त. कल फिर मिलते हैं. थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस.